यू आर ऑसम। सो वेलकम, मैं हूँ राज सर, आपका करियर कोच एंड अ पैशन प्रेनर। आज का टॉपिक है कि टेंथ के बाद क्या किया जाए। बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सबको इतना पता है कि साइंस करना है, कॉमर्स करना है और आर्ट्स करना है, पर आपको पता है इसके अलावा 10,000 ऑप्शंस और भी है। मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले हम लोग बेसिक चीज़ें कर लेते हैं। साइंस एक स्ट्रीम है आफ्टर टेंथ, कॉमर्स एक स्ट्रीम है, आर्ट्स एक स्ट्रीम है। मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आपको साइंस कब लेना है, कॉमर्स कब लेना है और आर्ट्स कब लेना है। इसके अलावा आप ITI भी चुन सकते हो, वोकेशनल एजुकेशन भी चुन सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स भी पॉसिबल है एंड डिप्लोमा भी कर सकते हो। तो क्या हम लोग इसको रिपीट करें? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, ITI, वोकेशनल कोर्सेज एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो 3 ऑप्शन नहीं आपके पास, 7 ऑप्शन है, पहली बात। एंड टेंथ के बाद लाखों करियर ऑप्शन है। तो वन बाय वन करते हैं। साइंस किसे लेना चाहिए? अगर आप, हाँ आप अगर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो नेचर को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, बहुत मज़ा आता है, एप्पल गिरा सर पे, न्यूटन वगैरह अच्छा लगता है। अगर आप क्यूरियस हो नेचर को लेके, तो ही आपको साइंस लेना चाहिए, वरना साइंस गलती से भी मत लो प्लीज़। कॉमर्स किसे लेना चाहिए? अगर आप इकोनॉमी सिस्टम से वाकिफ हो और बहुत मज़ा आता है आपको कि यार 10 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये में बेचा, 90 रुपया मुनाफा, प्रॉफिट कैसे हुआ, हाउ डज दिस हैपन, एंड उसके पीछे का पूरा सिस्टम, पूरा इंडिया में गवर्नमेंट सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सारा मनी रिलेटेड जो भी सिस्टम चल रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑल दैट स्टफ, अगर आप नंबर्स पे, मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली कॉमर्स लो आप। आर्ट्स कब लोगे? अगर कॉमर्स ध्यान देते हो तो मटेरियलिस्टिक है, साइंस को ध्यान देते हो तो नेचर के साथ डील करता है, आर्ट्स ह्यूमन सोशियोलॉजी के साथ, फीलिंग्स के साथ डील करता है। अगर आप लोगों के फीलिंग्स से रिलेटेड, पुराने ज़माने के लोगों के साथ क्या क्या हुआ, आज के लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, अगर आप साइकोलॉजी फीलिंग्स पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तो डेफिनेटली आपको आर्ट्स लेना चाहिए। ये एक मिथ हो चुका है इंडिया में कि अगर आपको 80% अबाव आए तो आप साइंस लोगे, 60-80 के बीच में आया तो कॉमर्स ले लो, एंड बिलो 60 आया तो आर्ट्स ले लो। आर्ट्स को कोई पूछता ही नहीं यार, बट लेट मी टेल यू, जितने करियर ऑप्शंस साइंस और कॉमर्स में है ना, उससे ज़्यादा करियर ऑप्शंस आर्ट्स में। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है डिप्लोमा का। अब डिप्लोमा मतलब क्या? लेट अस से आपको कोई स्किल परसू करना है, कोई चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रामा, डांस, आर्ट, फैशन, इसमें इंटरेस्ट है आपको, टीचिंग भी आ गया सपोज, स्किल ओरिएंटेड चीज़ आपको ग्रैप करना है और आपको इमिडिएटली जॉब पे लगना है या हायर स्टडी करना है उसी स्किल को लेके, तो आप डिप्लोमा ही करोगे। अगर आपको पता है कि आपका स्किल कौन सा है तो ही आप डिप्लोमा करोगे। इसके अलावा वी हैव ITI। अभी ITI का मतलब क्या है? ITI का मतलब आपको इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग मिलता है। इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है कि आप डायरेक्टली इंडस्ट्री में जा करके काम कर सको फॉर ब्लू कॉलर जॉब्स। एंड इसके बाद आता है गवर्नमेंट जॉब्स। टेंथ के बाद बिलीव मी, आप डायरेक्ट जॉब करना चाहते हो, यू कैन गो एंड डू गवर्नमेंट जॉब्स। देर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब्स के नंबर ऑफ ऑप्शंस के एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बनाया मैंने, तो आप प्लीज़ वो देखिए। इनफैक्ट हर 7 स्ट्रीम के बारे में डेडिकेटेड एक एक वीडियो है, गो एंड वॉच देयर। डायरेक्टली डिसीजन कभी मत लेना। ओके, अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे को डिप्लोमा भी करना है, बट मैं एट द सेम टाइम मैं नहीं चाहता कि मैं साइंस या कॉमर्स छोड़ूँ या आर्ट्स। तो आप इसको कंबाइन कर सकते हो, आप बैलेंस कर सकते हो, वोकेशनल कोर्स ले लो, CBSE ने अरेंज किया है, देर आर मैनी वोकेशनल कोर्सेज, आपके स्किल ओरिएंटेड, आपको जो पसंद है वो कर सकते हो आप, एंड उसको आप साइंस या कॉमर्स के साथ क्लब कर सकते हो। आप समझ रहे हो, मतलब रेगुलर एजुकेशन बट स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, डायरेक्ट प्रैक्टिकल एजुकेशन। आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन डाल दो, गोलियों की तरह बम्बार्डमेंट कर दो, आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। इसके अलावा अरे आपके दोस्तों को भी नहीं पता है सब, तो शेयर करना तो बनता है ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो,
जितना होता है फैला दो इसको. बहुत लोगों को पता नहीं इसके बारे में. साइंस कॉमर्स आर्ट्स नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें है. यू कैन डू एनीथिंग. प्रॉब्लम यह है कि आपको पता नहीं होता है. बहुत लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी भी आप कन्फ्यूज हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, तो लिंक हिट करो. RajSir.com में जाओ, अपना फ्री करियर असेसमेंट टेस्ट ले लो. आपको पता चल जाएगा, क्लियर आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या लेना चाहिए. थैंक यू जुड़े रहने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट अपना करियर ऑप्शन चुनने के लिए. कभी कुछ भी प्रॉब्लम होगा कॉन्टैक्ट करो और अपना करियर ऑप्शन चुनने के लिए मुझे कोच चुनो. दिस इज राज सर. नाम तो याद रहेगा.